जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्कोहल्स के बारे में, बट सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आप चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटीज के दैट मीन्स बीएससी किसी भी लेवल की बात करें, आज जो हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की बात कर लें, चाहे जीएससी ए मेनी अदर्स एग्जाम्स हैं, सब में आप क्या देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आ रहे हैं, एमसीक्यू। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एल्कोहल्स के कुछ क्वेश्चन के, दैट मीन्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपके कंपिटेटिव एग्जाम के लिए भी। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है द जनरल मॉलिकुलर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। दैट मीन्स कौन, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, ये आपके फोर ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस जनरल फार्मूले से हम एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, वो आपका आंसर क्या होता है, डी होता है। आंसर आपका क्या होता है, डी होता है। अब आइए हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं क्यों यहाँ पर आंसर आपका डी है। जैसे अगर हम एल्कोहल्स की बात करें, तो एल्कोहल्स का आपका जो फर्स्ट मेंबर है आपका क्या होता है, CH3OH, CH3OH, आप जानते हैं क्या है आपका, मेथेनॉल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास फार्मूला है, देखेंगे आप यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है, वन है। अगर टोटल हम चेक करें तो यहाँ पर आपका कार्बन वन है, हाइड्रोजन कितना है, फोर है, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, फोर है, और साथ में क्या देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, वन है। ये आपका फार्मूला है। देखेंगे हम अप्लाई करते हैं क्या जो फार्मूला है, किस कौन सा हमारा फार्मूला फिट बैठता है इसके लिए। तो CnH2nO2 यहाँ पे रखेंगे, एन के प्लेस पे वन रखेंगे, H2n 2 × 1 और क्या हो जाएगा, O2। आप जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C1H2, देखो टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू ओ टू ये मिलेगा, CH2O2 आपका है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं, CnH2n यहाँ पर वन रख के चेक करते हैं, वन यच यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, तो आपका हुआ क्या, C1H2, दैट मीन्स टू हो गया O, C1H2O, ऐसा तो आपका फार्मूला है नहीं, आपको फार्मूला क्या मिला, C1H4O मिला। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, जो ऑप्शन बी है ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका सी है, CnH2n+1, तो यहाँ पर देखेंगे वन, एन के प्लेस पे वन रख रहे हैं, H2n 2 × 1 + 1, तो आपका क्या मिला, CH3 मिला, क्या मिला, CH3 मिला, बट हमारे फार्मूले में क्या है, ओ है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब हम लास्ट चेक करते हैं, जिसको मैंने बताया कि आपका करेक्ट फार्मूला है वो क्या होता है। तो वन रखेंगे यहाँ पर, जब आप रखेंगे तो सी यहाँ पर एन के प्लेस पे वन रखना, वन H2n 2 × 1 + 2 और O, आप सॉल्व कीजिए, C1H2n+2, दैट मीन्स फोर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट मेंबर है तुरंत मैच कर लिया फार्मूले से। तो आप माइंड में रखेंगे जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला है वो आपका क्या होता है, CnH2n+2O। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड आपका है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल इज, दैट मीन्स एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपके पास फोर ऑप्शन है, OH, CHO, COOH और कार्बोन भी। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका एल्कोहल्स होता है, ऑलरेडी मैंने हेडिंग में मेंशन कर रखा है OH ग्रुप, दैट मीन्स यहाँ पर एल्कोहल में कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट और आंसर क्या हो जाएगा, OH। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एल्कोहल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, दैट मीन्स एल्कोहल को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास फोर ऑप्शन है, RCOH, ROR, RX एंड ROH। तो आइए हम बता देते हैं, जो आपका RCOH होता है ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये तो मेरा एल्कोहल है नहीं,
जो आपका आर ओ आर है इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। और जो आपका आर एक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। और लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है आर ओ एच, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, एल्कोहल बोला जाता है। इट मीन्स अगर आपसे बात की जाए कि एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन डी आर ओ एच आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। दैट मींस आपको ये सिलेक्ट करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है कि कहां पर जो हमारा OH ग्रुप है आपका किससे अटैच्ड है। सबसे पहले तो हम देखेंगे OH ग्रुप और इसको अटैच किससे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। और साथ में इसके जो नेक्स्ट हमें एटम्स मिले, दैट मींस नेक्स्ट जो पोजीशन मिले वो कैसी होनी चाहिए, एंड एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं। बेंजीलिक एल्कोहल है, तो आइए बात करते हैं बेंजीलिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये आपका बेंजीन रिंग होगी, बेंजीलिक एल्कोहल की बात करें CH2, और ये आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये आपका है बेंजीलिक एल्कोहल। उसके बाद बात हम करते हैं आपका सेकेंड विनाइलिक जो एल्कोहल है वो आपका कैसे हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा, OH, ये आपका विनाइलिक है। एलिलिक कैसा हो जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और प्राइमरी एल्कोहल क्या हो जाएगा आपका, RCH2OH, ये आपके 4 क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। अब यहां पर हम चेक करेंगे जो हमारा OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखते हैं यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और यहां पर आपका होगा sp2, और यहां पर आपका होगा sp3। तो सबसे पहली कंडीशन यहां पर क्या दे रखा है कि दैट मींस जो हमारा OH ग्रुप अटैच होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन बी है और जो आपका आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, वन सेकेंड, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका sp3 हो जाएगा क्योंकि हमें इसको देखना है। ये जो ऑप्शन आपका बी है इसको आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मींस यहां पर sp2 है। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि दैट मींस बी ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं sp3 से अटैच तो हो, बट उसके जस्ट बाद हमें क्या मिलना चाहिए, एरोमेटिक रिंग मिलनी चाहिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है। चेक करते हैं यहां पर हम चलेंगे तो एरोमेटिक रिंग तो मिल नहीं रही है, एल्किल ग्रुप्स मिल रहा है। तो दैट मींस ऑप्शन डी भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहां पर चलते हैं जो आपका एलिलिक एल्कोहल है, यहां पर sp3 है, उसके बाद भी आपको क्या नहीं मिला, रिंग नहीं मिली। दैट मींस ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बट जब हम चलते हैं ऑप्शन ए में, तो यहां पर आपका ये sp3 कार्बन है और जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या मिल रहा है, एरोमेटिक रिंग मिल रही है। तो इसलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो आपका बेंजीलिक एल्कोहल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एलिलिक एल्कोहल। दैट मींस आपको सिलेक्ट करना है कि कैसा होना चाहिए, टर्शियरी भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, एलिलिक एल्कोहल होना चाहिए। तो टर्शियरी की मीनिंग क्या होती है, दैट मींस जो आपका कार्बन है जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है उससे 3 अदर कार्बन क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए, 1 2 3। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये हमारा क्या होगा, टर्सरी होगा। और अगर हम बात करें एलेलिक की, आपको बात करें तो यहाँ पर एलेलिक आपको समझना होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये आपका दैट मींस क्या होगा, कार्बन है आपका CH, उसके बाद आपका CH2, उसके बाद OH, ये स्ट्रक्चर आपको होना चाहिए कि दैट मींस इस कार्बन से डायरेक्टली जो जो अटैच कार्बन है वो आपका क्या हो जाएगा, एलेलिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग चेक करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में आप क्या देखने को पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो ये कार्बन है ये पूरे इतने ग्रुप से अटैच है, दैट मीन्स 4 कार्बन के ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वार्टरनरी हो गया। क्या हो गया, क्वार्टरनरी हो गया, दैट मीन्स ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम चलते हैं उसके बाद, जो हमारा दूसरा बी ऑप्शन है, ये आपका जो कार्बन है यहाँ पर देखेंगे 21 कार्बन से 21 कार्बन से 21 कार्बन से क्या है, अटैच है। और अटैच होने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। बट एलिलिक कंडीशन जो होनी चाहिए, जो आपका कार्बन है इस कार्बन से जो अटैच दूसरा कार्बन है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए था। डबल बॉन्ड कहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, बट आप देख रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, इसके जस्ट बाद है। इसका मतलब ये आपका एलिलिक नहीं है। तो भाई एलिलिक नहीं है तो हमें तो चेक करना है एलिलिक भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, टर्सरी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इसके पास, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन से एक ये कार्बन अटैच है, एक ये अटैच है, दैट मींस ये आपका टर्सरी नहीं है। तो भाई टर्सरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इनकरेक्ट कर देंगे। और चलते हैं हम ऑप्शन डी पर, यहां पर हम देखेंगे ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से अटैच है 1 2 3, ये आपके कार्बन हो गए, दैट मींस ये टर्सरी हो गया। उसके बाद जो कंडीशन है एलिलिक की, कि जो आपका ग्रुप है, दैट मींस कार्बन से जो आपका ओएच जुड़ा है उसके जस्ट जो कार्बन है, जस्ट बिफोर जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। देखिए इसके बाद जो जस्ट बिफोर आ रहा है कैसा है, डबल बॉन्डेड है, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, एलिलिक शो कर रहा है। और जब एलिलिक शो कर रहा है तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा कि टर्सरी है टर्सरी नहीं है। उसके बाद हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे एलिलिक कंडीशन को। तो देन आई होप समझ में आया होगा, ये हमारा एल्कोहल्स का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द आपको देंगे, दैट मीन्स उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो इतने भी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं एवरी चैप्टर्स के, सबको हम पार्ट बाई पार्ट आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।